बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा है, गुजरावाला में सियासी पावर शो करने जा रही है। हुकूमत ने इन्हें गुजरावाला के जिना स्टेडियम में जलसा करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। 30 नुकात पर एग्रीमेंट तय हुआ है। जो मुंतज़िमीन है और जो होस्ट हैं वो PMLN है और डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला के दरमियान, जिसमें जो बात समझ में आती है और जो मेरे ख्याल में ठीक बात है कि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जो 3 से 6 फुट का फासला रखना, साथ में जो हाजरीन हैं, जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, इनका मास्क पहनना और सैनिटाइजर साथ रखना, इसके साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल और भी कुछ इसमें नुकात हैं कि कोई प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्वेंट खिताब नहीं कर सकेगा और जलसा गाह से खिताबात होंगे, इसके बाहर जो है वो खिताबात नहीं किए जाएंगे। तमाम तर सियासी और सहाफती हलकों की नज़रें मरकूज़ हैं कल के जलसे के हवाले से और इस दौरान हम देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी लफ्जी जंग चल रही है, चैलेंज दिए जा रहे हैं। आज सेंटर शिबली फराज जो वज़ीर इत्तला'आत हैं, उन्होंने चैलेंज दिया कि आप जिना स्टेडियम की इजाजत आपको दे दी जिसकी आपने मांगी थी, जलसा गाह भर के दिखाएं। नून लीग ने वो चैलेंज कबूल किया है। अब कल देखते हैं कि कल ही पता चलेगा कि कितने कारकुनान इनके आते हैं। वैसे एक जमात नहीं है, 11 जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पहुंच चुके हैं, लाला मूसा कमर जमान कायरा चूंकि वहां से उनका ताल्लुक है और शुमाली पंजाब के सदर भी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर में मौजूद हैं, दीगर कायदीन आफ्ताब शेरपाओ, इसके अलावा मखदूम खान अचकजई, तमाम लोग वहां कल जलसा गाह में पहुंचेंगे। तो अब आज की नशे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन का जो ये पावर शो कल होने जा रहा है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे और इनकी आइंदा की लाए अमल क्या होगा। इसके साथ 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 में ये भी बताते चलें कि कल पार्लियामेंट का इजलास भी हो रहा है, सेनेट का सेशन है, कौमी असम्बली का इजलास है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया और जाहिर सी बात है उसमें हुकूमत का काउंटर नैरेटिव के हवाले से भी गुफ्तगू शदीद होगी, बहस होगी, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ में इससे पहले कि अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराऊँ, अहम नुकता है क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पिशावर मोड़ में जो पनागा है उसका दौरा किया, वहाँ पर जो सहूलियात दी जा रही हैं, वहाँ पर जो मकीन हैं उनको, उस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई क्योंकि जो जो बैतुल माल के सरबराह हैं वो भी मौजूद थे, डॉक्टर सनिया निश्तर भी थी, सेंटर फैसल जावेद साहब भी थे और प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया गया। उन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अर्ज किया कि इनको बेहतर ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ क्योंकि अब ठंड का मौसम इस्लामाबाद में होता जा रहा है, खुनकी है शाम के वक्त। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ खाना भी खाया, एक अच्छा जेस्चर है। इस हवाले से भी गुफ्तगू मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। जो मौजूद मेहमान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का मैं तारुफ आपसे करा दे, तो हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है, PTI की हलीफ जमात है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मलिक अहमद खान साहब मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है और कसूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कल ये भी वहाँ से अपने कारकुनानों के साथ गुजरावाला आएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किए, सूबाई वजीर सेहत हैं और ख़ुद एक बड़ी एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं, आइडियोलॉजिकल मेंबर हैं तहरीक इंसाफ की, उनको भी वेलकम करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो जरा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से चंद अहम नुकात हम जान लें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये मैंने बताया 30 नुकाती इजाजतनामा मिला है जो मलिक अहमद खान साहब की जमात है और दीगर अपोजिशन जमातों को कल का जलसा करने के हवाले से, कोविड के हवाले से भी काफ़ी कहा गया है कि समाजी फासला भी रखना है, मास्क भी पहनना है, इसके साथ साथ और भी सिक्योरिटी के हवाले से है, फिर और भी बहुत से शरायत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ज़रूरी समझा आप लोगों ने कि ये शरायत रखी जाए, इन पर कारबंद होंगे तो तब जाकर इजाज़त मिली डॉक्टर यास्मीन साहबा? जी, मेरा ख्याल है ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई भी है पाकिस्तान में, जैसे बाकी पूरी दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड का जी। तो पाकिस्तान के अंदर अभी कोविड कहीं गया तो नहीं और पिछले 10 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद बढ़ती चली गई। आज से अगर 10 दिन पहले की मैं बात करती तो पंजाब के अंदर फिगर्स जो थी वो 2 डिजिट्स में थी, यानी 59-60 केसेस रोजाना के तशखीस हो रहे थे, लेकिन आज से 6 दिन पहले फिगर जो थी वो 100 से ऊपर इजाजत कर गई और आज के दिन में 223 नए केसेस जो है वो सामने आए। इसके अलावा सबसे बड़ी ये बात है कि नंबर ऑफ फेटलिटीज, कुछ अरसा हमारे पास ऐसा भी टाइम था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई फौतीदगी नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते के अंदर देखा गया है, शुरू 1 से हुआ, 1 के 2 हुए, 2 के 3 और आज 11 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड वायरस। तो कोविड की नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर उसकी सिवेरिटी भी बढ़ती है, जब मरीज बढ़ते हैं नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत अहम था कि
जो भी हम करें कम से कम हमारी एक प्रॉपर एसओपी जरूर डेवलप हो जाए। और ये मैंने कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में कहा था कि अपना राजा बिशारत साहब से कहा था कि हम ये हमने बाकायदा एसओपी डेवलप किए कीपिंग कोविड इन व्यू। मतलब ये कि द सिचुएशन इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन होती तो इस तरह की कोई बात नहीं कहा जाती, लेकिन एक एबनॉर्मल सिचुएशन दुनिया के अंदर इस वक्त जो इज्तमा है उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पर्टिकुलरली उन एरियाज के अंदर जहां कोविड की रिसर्जेंस हो रही है, लाइक प्लेसेस लाइक वेस्टर्न यूरोप। और इफ यू टॉक अबाउट अभी इंडिया, आपको पता हमारे साथ जो हमसाया मुल्क है उसके अंदर भी बहुत हालात खराब हुए, ईरान में हालात बहुत खराब हुए। तो ये लगता है कि दोबारा रिसर्जेंस आ रही है, वो नई वेव सेकेंड सर्ज जिसे कहते हैं। जी तो डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूंगा कि आप चूंकि पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं और आपने कैबिनेट कमेटी की भी बात की, इंतजामी तौर पे इन्हें टैकल किया जा रहा है या सियासी तौर पर इन्हें फ्री हैंड दिया जा रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने खुद भी बहुत जलसे जलूस किए, गुजरावाला में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बड़े जलसे किए हुए। इंतजामी तौर पर शिकायत है मलिक अहमद खान साहब और पीपल्स पार्टी को, हमें दिक्कतें हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं, तो इंतजामी तौर पर पंजाब हुकूमत ज्यादा टैकल करेगी या इनको फ्री हैंड मिलेगा विद दीज एसओपीज कि ये वहां पर आए और अपना जो जलसा है वो करें? लेकिन मैं तो पहले दिन से इनको सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा। और मैंने और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात है और इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात यही कर रहे हैं। ठीक। वजह यह है कि हमारी तरफ से हम बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट नहीं डालना चाहते इनके लिए। ओके। ये इनका जमहूरी हक है, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जरूर प्रोटेस्ट करें। बल्कि अभी किसी ने मुझे शिकायत की तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन करके कहा शिक्षा जो शिकायतें आ रही है मेहरबानी करके उनको दूर करिए। वी शुड नॉट बी स्टॉपिंग एनीवन ऑन ऑब्स्ट्रक्टिंग एनीवन। ये मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि ये बिल्कुल हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई ऑर्डर्स नहीं है कि आप पाबंदियां लगाएं। अब आया जहां तक एसओपी का या शरायत का, वो तो देखिये अगर ये हालात इस वक्त मुल्क इस तरह ना होते तो हमारी इस तरह की मजबूरी ना होती ना। अब एक हम लोगों ने जो एसओपी डेवेलप किए हैं उसमें हाई रिस्क ग्रुप्स है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है। ठीक। और एक जलसा जो है जिसमें अनकंट्रोल्ड क्राउड होता है वो सबसे हाई रिस्क होता है टू स्प्रेड द डिजीज। तो मैं तो एज बेसिकली जो मेरे पास इस वक्त जिम्मेवारी है उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल हम लोग को खुदा ना खास्ता आपस में दुश्मन तो नहीं है ना, जाहिर है सब पाकिस्तानी है। ठीक कह रहे हैं, वही मैं उनको भी पाकिस्तान से, बल्कि मलिक अहमद खान साहब तो आपके कुलीग भी हैं, जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। मलिक साहब, आपने यास्मीन आशिश साहबा की बात सुनी, उन्होंने कहा कि एसओपीज रखे गए तो क्योंकि 233 लोगों को कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं पंजाब में आज और इसका सेकंड सर्ज का खतरा है, तो बाकी उन्होंने कहा कि हम वो तो इस बात की सपोर्टर हैं कि आप लोगों को पॉलिटिकली जो है वो लिबर्टी होनी चाहिए कि आप लोग जलसा करें, रैली निकालें। क्या कहेंगे मलिक अहमद खान साहब? जी अनवर, आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग डॉक्टर साहब विद यू, क्योंकि नॉर्मली तो आजकल जो इनकी एक डायट ट्राइब ब्रिगेड है उनके साथ बैठना ऐसे लगता है कि जैसे किसी अजियत से गुजरना है। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज व्हेनेवर डॉक्टर साहब इज हियर, उनसे बात करना एक बड़ी मकूल बात लगती है। जी देखिये, मामला ये है कि जो कोरोना के मुतल्लिक डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल इस पे एहतियात लाजिम है और बड़ी इंतहाई जिम्मेदारी के साथ हमारे कारकुनान को और पूरी लीडरशिप को उस वायदे की पासदारी करनी चाहिए जो उन्होंने किया है। ठीक। क्योंकि कोविड बिल्कुल एक बड़ी उसकी एक एग्जिस्टिंग थ्रेट है और इसकी जो एक सेकेंड वेव और इसकी जो रिसर्जेंस हो रही है इसके साथ बिल्कुल खतरात भी हैं, तो जितना केयरफुली करेंगे उतना मुनासिब होगा क्योंकि ये तो एक पेंडेमिक है। ठीक। और इसके फैलाव का पहले भी हमने देखा है कोई हदूद की युद्ध नहीं है, तो जो एहतियात और जो इसके बेसिक एसओपीज है उनको बिल्कुल मलहूज़े खाते। और भी कुछ शरायत रखी गई है मलिक अहमद खान साहब के, कोई कॉन्वेक्ट खिताब नहीं कर सकेगा, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर नहीं खिताब कर सकेगा और सिर्फ जलसागाह में खिताबात होंगे, इसको भी आप लोग लेटर स्पिरिट में फॉलो कर रहे हैं? अच्छा नहीं, देखिए कुछ चीज़ें जिनकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, मैं आई एग्री आपके साथ इस बात पे कि जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका तो कोई मेंबर यहाँ पे है ही नहीं, तो वो शर्त तो मेरा ख्याल वैसे ही बेमानी सी बात है, उसको रखने की जरूरत क्या थी। ठीक। और जो दूसरी बात है कि अगर आप एक पोलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को किसी तरह से रोकते हैं कि कोई कॉन्विक्ट जो है वो नहीं खिताब कर सकता, तो मेरा ख्याल है कि ये
किसी लॉ की डिमांड तो नहीं है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एज एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको आप भी जानते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कदगन कानून लगाता है, कोई कदगन कानून लगाता है। अच्छा, एक अदालती फैसला जरूर है, वो है अपना इन दैट रिगार्ड, वो जो बिल्कुल ही एक सेडिशियस स्पीच थी अल्ताफ हुसैन साहब की, जिसका बार बार हवाला आता है, ठीक, तो उसकी उसकी सपोर्ट लेकर कोई आर्गूमेंट बिल्ड किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब में और अल्ताफ हुसैन में कोई मुमासलत नहीं है, तो इसमें एक बड़ा फर्क भी है। ठीक है, मेरे साथ ही रहेगा काकर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो शरायत हैं इसके तहत करने की इजाज़त दी गई है, और जैसे मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि प्रोस्क्राइब तो कोई नहीं, लेकिन जो कॉन्विक्ट है, ज़रूरत है, नवाज शरीफ साहब भी कॉन्विक्ट है और मरियम साहबा की भी जो है वो बेल हुई है, लेकिन उनकी कन्विक्शन अपनी जगह बरकरार है। आपसे जानना चाहूँगा एज एन अलाइड पार्टी, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कोयटा में भी इन्होंने आना है, इसके क्या रेमिफिकेशन आपको नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं, आज एक इंतहाई मज़मूम वाक़िया हुआ है वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में, और हमारे फ्रंटियर कोर के और पाकिस्तान आर्मी के जवानान और अफसर शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और इस अज़म के साथ पूरी कौम को कि जो मैनस है टेररिज्म का, ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ, और इसे हमने मिल के एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट, इस मैनस को रिस्पॉन्ड करना है। जी देखें, आपकी बात की तरफ आते हुए, सवाल की तरफ आते हुए, बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में जो उसूल हैं वो तय हो चुके हैं, और वो ये हैं कि जो राइट टू असेंबल है अपोजिशन का, वो रिकग्नाइज्ड भी है, रिस्पेक्टेड भी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी है। जी, राइट टू असेंबल फॉर द पर्पस, पॉलिटिकल पर्पस, कि आप चाहते हैं कि डेमोंस्ट्रेट कर सकें, एजिटेट कर सकें, अपना जो पॉइंट है वो रजिस्टर कर सकें, ये मौजब दुनिया में, मौजब जमहूरिया में इसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, इसकी प्रैक्टिसेस हैं, इसके बगैर जमहूरियत की रूह मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, अगर मौजूदा हुकूमत इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो प्राइमरीली वो डेमोक्रेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स की बात है, देखिए रेगुलेशन, ये मेरे साथ मलिक साहब भी शायद इत्तेफाक करें इस बात पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन वो तमाम दुनिया में रहती है, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ जो इज्तिमाआत होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक, बाज़ औक़ात आपके उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस आपके लिए सही साबित होती हैं, बाज़ औक़ात नहीं साबित होती हैं, लेकिन अगर रिलेटिवली एक रीज़नेबल और पीसफुल माहौल में दोनों फरीकैन इन इज्तिमाआत को लेकर चलेंगे, तो जो इनका पॉइंट है या जो प्रोटेस्ट इन्होंने करना है वो भी रजिस्टर हो जाएगा, और हुकूमत ने जो कमिटमेंट दी है कि हम इसको अलाउ करेंगे, इसको फलने फूलने देंगे कि अपना काम करें, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होगी। मैं यस्मीन साहब आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है आप लोगों ने भी यहाँ पर जलसे की, आज चैलेंज आया कि जिना स्टेडियम भर के दिखाएं, और चैलेंज कबूल कर लिया गया है, आपकी क्या असेसमेंट है इसके, क्या आप चूंकि पॉलिटिशियन भी हैं और इलेक्शंस भी आप लड़ती हैं, क्या मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं? गुजरांवाला क्योंकि 6 सीटें हैं और नून लीग की गढ़ समझा जाता है, वहां से 2018 में भी उनको कामयाबी मिली थी, हाउ पॉलिटिकली यू आर सीइंग इट? डॉक्टर यास्मीन साहबा, आप जी, मुझे मेरा ख्याल है, जी जी बिल्कुल जी, प्लीज देखिए, जहां तक इसका लुक है जलसे का जी, तो मेरा ख्याल है सोच समझ के नून लीग ने सेल्फ किया, बिकॉज नेचुरली उनको भी पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स उनकी जो है वो गुजरा वाले से है, और नेचुरली जब आप एक सियासी पड़ाव करते हैं तो सियासी पड़ाव के अंदर आप कोई जगह ढूंढते हैं जहां आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगी। जहां तक जलसे का ताल्लुक है, कितने लोग इकट्ठे होंगे, कितने लोग आएंगे, कितने जाएंगे, वो अपनी जगह, वो तो देखें कल का दिन कौन सा दूर रह गया जी, ये अगले 24 घंटे में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। पर जो एक चीज बड़ी मुझे अजीब लगती है, वो मैं जरूर अगर आप इजाजत दें जी, प्लीज गो अहेड, कि इट्स अ वेरी ऑड सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलरली व्हेन आई लुक एट द टू मेजर पार्टीज, मतलब पीपल पार्टी को और मैं नून लीग को देखती हूँ, क्योंकि देखिये मैं भी तो आफ्टर ऑल सियासत में उम्रें गुजार दी हमने, इट्स एन ऑड कॉम्बिनेशन। वजह यह कि आज से अगर मैं 3 साल पहले की भी बात ले लूँ, तो अगर आपको याद हो तो 2016 के अंदर, 4 साल पहले की बात है, जब पनामा लीक आए और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मैंने इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटिशन दायर की थी जी, क्योंकि मैंने कहा था कि इनको डिस्क्वालीफाई करें, वजह यह है कि इन्होंने अपने एसेट्स प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किए।
तो मेरे साथ जो पिटिशन दायर करने वाले थे वो पीपल पार्टी वाले थे और लतीफ खोसा साहब जो थे वो मेरे साथ खड़े होते थे और जब हम हर मरतबा तो कल के हरीफ आज के हलीफ बन जाते हैं ना। आप लोग भी एमपीएम से काफी नाराजगियां थी, क्यू लीग से थी। आप मेरी बात मुकम्मल तो होने दीजिए। मकसद ये कि उस वक्त जो शोर था वो ये था, जो हमारा शोर था कि इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम हुई हुई है, पैसे बाहर लेके गए हुए हैं और ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाइबा पेपर मिल्स और ये सारी चीजों के अंदर ये हमारे साथ खड़े हुए थे। मैं सिर्फ पीपल पार्टी वालों पे थोड़ी सी परेशान हूँ कि आज इनका बयानिया सब तब्दील हो गया। आर दे हैव दे नाउ चेंज्ड एंड दे थिंक नाउ एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज ऑनेस्ट। ऑन द अदर हैंड अपने शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी आपको पता रोस्टम पर खड़े होके तो उन्होंने कई दफा तकलीफ दी थी कि मैं जरदारी साहब के पेट से पैसे निकालूंगा। माय बेसिक कंसर्न इज, देखिए हम तरीके इंसाफ के लोग हैं, मैंने तो द रीजन आई जॉइन द पार्टी इज के मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से हम करप्शन खत्म करें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम खत्म हो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चले। वजह यह है कि वरना हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास के, वेरी फ्यू मिडिल क्लास पीपल लाइक मी हु विल कम इनटू पॉलिटिक्स। कल सियासत थले फूलेगी तब जब हमारे जैसे लोगों को मौका मिलेगा आने का। माशाल्लाह मौका मिला हुआ है ना, आप दो साल से आपको मिला हुआ है तो इसमें आप लोग डिलीवरी कर रहे हैं ना, आपके सामने ही है, काम कर रहे हैं। अच्छा। और काम मुतमईन है आप अपनी कारकर्दगी से, वफाकी और सूबाई हुकूमत से, पीटीआई के लोग खुश हैं? जी मैं तो मेरी कारकर्दगी से तो मेरा ख्याल है। हम तो आपकी कारकर्दगी के मुतरफ है, मैं आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट के कह रहा हूँ, आपकी कारकर्दगी से सब मुतरफ है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इस वक्त जो एक सबसे बड़ा चैलेंज सारी दुनिया को आया जो कोविड का था, आई थिंक वी डेल्ट विद इट वेरी वेल, इवन एट द नेशनल लेवल या पंजाब के लेवल पे आप देखिए। ठीक है, मैं इकोनॉमी के हवाले से जानना चाहता था सर, मलिक साहब को भी जानना था। मलिक साहब जी, ये यही बात बता जी। जी मलिक साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बताइए कि कल आपका बयानिया क्या होगा। जाहिर बात है मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें और अपोजिशन के इतिहाद इस तरह बनते रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये एआरडी में भी था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब मरियम साहबा एक कंटेनर पे शेयर करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, जाहिर बात है आपके ख्याल आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, पोल्स अपार्ट हैं, जो वर्कर्स और जो मजमे के लोग होते हैं उनके लिए भी दाराबाजी होती है और फिर बाजवा सबकत ले जाने की भी कोशिश की जाती है, तो कुछ बताएंगे इसको बेहतर तौर पे मैनेज कर ना पाएंगे या दराड़े जो लोग कहते हैं आपके नाकेदीन वो कल ज्यादा वाजी होकर आएंगी मलिक अहमद खान साहब? अच्छा देखिए हमारा सब होता ऐसे है कि नॉर्मली जब आप बयानिए की बात करेंगे तो भी जैसे भी डॉक्टर साहब कह रही थी कि उनका एक एंटी करप्शन की एक बड़ी रिजॉल्व है कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा होना चाहिए, तो मेरा ये रिजॉल्व है कि प्रोसिक्यूशन के नाम पे प्रोसिक्यूशन का खात्मा होना चाहिए। ठीक, तो ये बड़ी दो क्लियर पोजीशंस हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जो मुकदमात कायम किए जा रहे हैं वो सियासी बुनियादों पर हैं, जो नैब का लॉ है उसको एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज किया जा रहा है, और जब आप किसी कानून को एक ऑपरेसिव टूल के तौर पर यूज करते हैं तो वो सोसाइटीज के लिए जहर कातिल होता है और फिर उसके जो असरात होते हैं वो आप देखते ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछली गवर्नमेंट के रिमूवल के टाइम पे और आज के इनकम्बेंट्स के लिए एक फैसिलिटेशन के तौर पे जो देखा उस टाइप के लॉ को यूज होते हुए कि यानी एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट बेस को, मुझे भी पता है आपको भी पता है आपके दोनों शुरका को भी पता है, लेकिन हम ऑनेस्टली ये बात कह नहीं सकते कि किसने किया और कब किया क्योंकि हमारे पास को फुटप्रिंट्स तो नहीं है उसके, लेकिन जिन जिन बुनियादों पर हम ये कह रहे हैं वो वाकयात हैं जिनको हम रुटला भी नहीं सकते। और उसके बाद क्या होता है कि यानी आप एज अ होल आप एक इस ट्रुथ को आपको उसे ना कहने की जरूरत रखते हैं और ना बात कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर एक कम हिम्मती का और फिर एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाता है कि जिसकी बुनियाद पर आप फिर अपने इन सारे मामलात को आप दूर करते जाते हैं और बयानियों की तलाश में चले जाते हैं। अब ये बयानियां कि आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ओपोनेंट्स को बगैर प्रोसीड ऑफ क्राइम के और आपने जो मुल्क के मुरवजा कवानीन थे चाहे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज थे उनके अंदर प्रोसीड ऑफ क्राइम की डेफिनेशन क्या थी, आज मैं इनके जो एहतसाब के मशीर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात यह थी कि जो लोगों की बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो आज क्राइम है।
और वो अगर आपकी कोई कोई इरेगुलरिटीज हैं तो उसको भी आपने एज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम और उसका पूरा एक नरेटिव बना दिया, तो अगर बयानिए ऐसे तश्कील पाने हैं तो ये बयानिए तो फिर अब बड़ी शिद्दत से उठेंगे। इनकी बुनियाद पे मैं समझ रहा हूँ कि आज अगर कोई आइन की बालादस्ती की बात करेगा, यानी लोगों के साथ जो ज्यादती की जा रही है और उनके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया जा रहा है, लोगों को ड्यू प्रोसेसेस नहीं दिए जा रहे, यहाँ पर एक इतनी आर्बिट्रेरीनेस है जिसकी इंतहा है, इसके नैब के लॉ के साथ आप पॉलिटिकल पार्टीज को सरकमवेंट कर रहे हैं। ठीक, आज महंगाई इतनी शिद्दत की है कि किसी बयानी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, महंगाई इतनी कि बयाने की जरूरत ही नहीं है, आपने नुक्ता उठाया, मैं इसका भी जवाब दूंगा। जी मेरे साथ काकर साहब, ये जो बात है, एक तो महंगाई ज़ाहिर बात है अपोजिशन के इसको इस्तेमाल करेगी और आप लोग हुकूमत मानती है, प्राइम मिनिस्टर साहब मानते हैं कि महंगाई है, दूसरा ये नैब लॉज और जो अकाउंटेबिलिटी का आर्गूमेंट है उस हवाले से भी अपोजिशन जो उनका ये कहना है कि ये सियासी इंतकाम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और आसिफ जरदारी साहब ने भी आज उनके अरेस्ट वारंट्स भी इशू हुए हैं। देखें, अगर नैब लॉज पे लेट से अपोजिशन को एतराज़ है, बी इट पीपल्स पार्टी, PMLN या कोई भी दूसरी जमात है, उसका फैसला, चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, क्या उन कवानीन का जो बकौल इनके के बतौर टूल इस्तेमाल होते हैं, उनकी तब्दीली का फैसला गुजरांवाला के स्टेडियम में तो नहीं होना? और उसका फैसला अगर उन नैब कवानीन में तब्दीली आनी है तो वो पार्लियामेंट में आनी है, उसके लिए स्ट्रीट एजिटेशन मेरी समझ से बालातर दबाव डालने के लिए ग़ालिबन शायद हुकूमत हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इन लॉज के लिए जो कम्युनिकेट करना है, जो डायलॉग उसका होना है, वो पार्लियामेंट के फोरम पे। अच्छा, उसको अबेंडन आप कर दें, उसको तर्क कर दें और एजिटेशन की राह अपना लें सड़कों पे, स्टेडियम्स में, वहाँ पे जो मोबिलाइजेशन ये शुरू हुई है, ये समझ से बालातर है कि इससे नैब के कवानीन में कैसे तब्दीली आएगी, नंबर वन। दूसरा, यकीनन महंगाई है और बहुत शिद्दत के साथ लोग उसको महसूस कर रहे हैं, तो क्या इसका हल महंगाई का खात्मा है या हुकूमत का खात्मा है? हुकूमत के खात्मे से महंगाई का खात्मा तो नहीं होना। जो महंगाई का खात्मा है अगेंस्ट द मार्केट फोर्सेस, यहाँ पे चीनी की सप्लाई, गंदम की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, तमाम में मार्केट फोर्सेस में बड़े पेचीदा मसाइल हैं और प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है, कल भी हम एक मीटिंग में वहाँ पे थे, कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में आपको टेंजिबल आपका काउंटर नैरेटिव कल क्या होगा, ये जब तकरीर कर रहे होंगे और महंगाई की बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जी हमारा ये वादे किए थे, हमारा काउंटर नैरेटिव जो मैंने प्राइम मिनिस्टर से सुना है कि उन्होंने कहा अब अल्फाज से ज्यादा हमारे एक्शंस नजर आएंगे। अच्छा, अमल हमारा काउंटर नैरेटिव, एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमारा बयानिया जो होगा वो अब अमल की सूरत में सामने आएगा, एक्शंस की सूरत में। तो ये क्या, ये जो पीडीएम के जलसों की वजह से अमली सूरत में आएगा या पहले से ज़हन में था? नहीं, पहले से, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि चीनी की इंपोर्ट का फैसला हो चुका है जिसने इस सप्लाई गैप को फिल करना है, इससे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई आई है, इसी तरह गंदम की इम्पोर्ट का फैसला हो चुका है, वो 2 से 3 हफ्ते तक वो मैनेज हो जाएगा, वो एक्शंस ट्रांसलेट होंगे, वो अमल होगा जो लोगों को भी नजर आएगा और महंगाई का जो जिन है उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मलिक अहमद खान साहब, इन जलसों से जाहिर बात है अपोजिशन के पास एक तरीका होता है गवर्नमेंट को दबाव में लाने का, लेकिन मैं जानना चाहूंगा फर्दर स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी? गुजरावाला कर लेते हैं, कराची कर लेते हैं, हो सकता है जलसे बड़े हों, फिर कोयटा जाएंगे, पिशावर जाएंगे, व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अनुवार ने कि ये कि इसका नतीजा क्या, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि महंगाई का खात्मा हो जी तो उसके लिए क्या हुकूमत का खात्मा जरूरी है? अच्छा, इस पर हमारा ये एक कंसिडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें इस महंगाई के लिए हुकूमत की अहलियत पर शिकवा है। हम ये समझते हैं कि इनको अगर मजीद मौका मिलेगा तो ये महंगाई मजीद बढ़ेगी, और मैं अपनी इस बात को सब्सटेंशिएट कैसे करता हूँ कि ये आज कोई करुण अवस्था का दौर तो है नहीं, ये तो आज हम एक मॉडर्न टाइम्स में बैठे हैं, तो हमारे सामने प्रोजेक्शंस आ जाती हैं और आपकी पॉलिसीज के नतीजे में आप प्रोजेक्शंस पे असेस कर सकते हैं कि ये जो आपका इस वक्त CPI है, ये आने वाले चंद माह में या अगले साल में कहाँ पर ये आपको लेकर जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में एक तो बड़ा सुकम ये है कि
एक फैक्ट है जो आप भी जानते हैं, वार साहब मैं भी जानता हूँ, पनवार साहब भी जानते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत कमोबेश 28 मरतबा ये अरेंजमेंट लेने की कोशिश और 22 मरतबा एक्चुअली अवेल कर चुकी है और 18 प्रोग्राम हमने कंप्लीट किए हैं IMF के। जो नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो मनोअन अपनी बात को जो IMF दे रही होती है उसके ऊपर आप यू डोंट पुट एनी इफ्स एंड बट्स इनटू दैट और वो पूरे का पूरा जो उनका जिसको वो रिफॉर्म कहते हैं हम समझते हैं कि वो एक लोन अरेंजमेंट की बात होती है और उसमें उन्होंने अपनी रिकवरीज के लिए कुछ स्ट्रिंजेंट और कुछ एक्सेसिव भी कर देते हैं, इवन यूटिलिटीज पर भी एक्सेसिव कर देते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है या पेट्रोलियम लेवीज है। गवर्नमेंट्स अपना प्रेशर पूरी तरह से पब्लिक के ऊपर इस तरह से नहीं डालती कि लोगों का चूल्हा चलना मुश्किल हो जाए। आज एक मुश्किल तरीन सूरत हाल ये है कि एक मतवसत तबके का आदमी अपने घर के अखराजात को मैनेज करना उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये वो इज़्तिराब है जिसकी बुनियाद पर एक अमूमी राय आमा कायम होगी हुकूमत के खिलाफ कि हुकूमत की नाहलियत के बायस ये सारा कुछ हो रहा है। इसी तरह से अगर ये जब इनसे सवाल किया जाता है कि जी आपकी जो एक 5.8 पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वो आपने बड़ी अपने इकदाम के नतीजे में बिल्कुल नीचे ला के फेंक दी और कोरोना से पहले उसकी प्रोजेक्शन जो थी वो 1.56 थी, उसकी दलील ये देते हैं कि आपका ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा था आपका फॉरेन था भी वैसे मलिक साहब नहीं, लेकिन उसकी रीजन भी तो अनुवार देखे ना कि अगर आपकी 2008 से 2013 में आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो टोटल आपकी मैक्सिमम राइज थी वो आपकी 1.3 थी जी। इससे ऊपर ना आपकी जरिए तरक्की जा सकी, उसकी रीजन ये थी कि आपके पास उसकी बुनियादी जो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड फ्यूल्स थे वही अवेलेबल नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आपके पास जब कुछ एक्सपोर्ट करने को नहीं है और अगर आपका इम्पोर्ट बिल बढ़ता है और उसमें एक चाइनीज कंपोनेंट है जो आपकी इस बिजली की किल्लत को खत्म करने के लिए उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा है, फिर आपकी FDI उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा है, आप एक कलेक्टिव बात करके एक रॉन्ग प्रेमिसेस पे चले जाते हैं। तो इसीलिए तो हमने इनको इनिशियली हमने ये चीज बांधी और हमने ये ऑफर किया, शहबाज साहब ने एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट उन्होंने ऑफर किया कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करनी चाहिए, जिस पर जो भी अनवार साहब कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने पार्लियामेंट में बात करने के बजाय धतकारा, उन्होंने हमें ये ब्लेम की एक सिचुएशन के अंदर एक 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 प्रोपोगेशनिस्ट रजीम के तौर पे सिर्फ एक मुकदमात कायम करके और ये एक एक पूरा बयानिया तरतीब देकर कि जी ये इनकी करप्शन 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 एंड नथिंग एल्स। उसके अलावा ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं मलिक साहब, आप आम नुकात उठाए जी सब जवाब दिए, एबिलिटी चैलेंज कर रहे हैं और क्या आप लोग ने धुतकार, हम तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, ये एक बहुत अपोजिशन का अपना एक स्टेटस है और उसकी अपनी एक हैसियत है पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। बाज़ोकात आप उनकी सजेशंस के साथ अग्री करते हैं एज अ गवर्नमेंट, बाज़ोकात आप नहीं करते हैं अग्री, ये डिस्क्रेशन गवर्नमेंट का होता है कि वो उनकी बात तस्लीम करें या ना करें। इन्होंने सजेशन दी, वो शायद उसको काबिल अमल नहीं समझा हुकूमत ने, वो उनका राइट है। अर्ज़ मैं ये करता हूँ कि इकॉनमी या चार्टर ऑफ इकॉनमी की जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी, हम बुनियादी तौर पर समझते हैं कि इस मईशत को जो कोड़ लगा हुआ है, जो उसका बुनियादी मरज़ है, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में बड़ी बड़े कारखाने यहाँ पर नहीं लगे और उससे जुड़े जितने मसाइल हैं वो इस वजह से हैं कि आपको याद होगा 2008 के बाद यहाँ पर एक एनर्जी क्राइसिस था और हर तरफ बिजली बनाने की बात हो रही थी। इन्होंने 90 की दहाई में भी और उसके बाद भी जो पावर प्लांट्स की सूरत में इमीडिएटली एड्रेस करना चाह कि ये कोई पोलिटिकल इनके लिए क्राइसिस ना बने आने वाले इलेक्शनों में, और जो महंगी बिजली बनानी शुरू की इस मुल्क में, इससे न सिर्फ कैपिटल फ्लाइट आया यहाँ पे, टेक्नोलॉजी फ्लाइट आई, मैन्युफैक्चरिंग फ्लाइट आई, लोग यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई, वो ज़्यादा महंगी बननी शुरू हो गई, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आया और वो इंतहाई बुरी सूरत हाल में ये छोड़ के अभी कॉमन मैन के हवाले से बताएगा, वो कह रहे हैं मुतवसत तबके के शख्स के लिए जो महंगाई है, देखिए जो सबसे बड़ा जीना, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल है, लेकिन क्या ये मुश्किल रहेगी, हमारा जवाब ना में है। इंशाल्लाह चैलेंज करते हैं।
नहीं ये देखिए वो अपोजिशन तो करेगी, इतना इतना रूम मैं उनको देता हूँ, वो कोई हमारी अप्रिसिएशन तो नहीं करेगी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या मुस्तकबिल भी इसी तरह मुश्किल रहेगा मतवस्त तबके के लिए? मेरा अल्फाज वाजे अल्फाज में मैं कह रहा हूँ कि नहीं, नो, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्यों हम ये उम्मीद दिला रहे हैं? हम ये उम्मीद इसलिए दिला रहे हैं कि पाकिस्तान में जो नेटवर्क टैक्स नेटवर्क है उसको फैलाया जा रहा है। इस वक्त जो जो लोग टैक्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बड़ा बोझ उन पर पड़ रहा है, जो टैक्स नेट से लोग बाहर हैं, वो आएंगे और वो बोझ शेयर करेंगे। वो जब शेयर करेंगे तो उसका लामहाला पहला असर इन्फ्लेशन पे और महंगाई पे आएगा। अच्छा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एफबीआर के रिफॉर्म्स जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर ने उसकी इनिशिएशन ली है, हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो टारगेट है, जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है, वो इंशाल्लाह 8 से 9 हज़ार अरब रुपए का पूरा होगा। आईएमएफ की प्रेडिक्शन है हमारी ग्रोथ रेट की 2021 में, वो तो बहुत कम है। एक देखिए यकीनन उनके वो कोविड की वजह से, वो कोविड की वजह से एक हमें तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। ज्यादा आएंगे, देखिए हमें एक एडवांटेज बहुत बड़ा मिला कि चार ममालिक ऐसे दुनिया में हैं WHO जिनको कह रही है कि वो कोविड की मैनेजमेंट के लिए उनको एज ए केस स्टडी देखे, वो तो है जिसमें पाकिस्तान है। उसमें क्या है? उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं हुआ कि हमने वैक्सीन डेवलप कर ली, वो तभी डेवलप ही नहीं हुई, तो नहीं हुई तो हमने क्या किया? हमने यही किया है कि पावर्टी और जो पेंडेमिक था उसका जो इम्पेक्ट आ रहा था मईशत पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, वो मैनेज हुआ। हमने हिंदुस्तान वाला काम नहीं किया कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन करके लोगों को भूख से ही मार दिया। वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है, आपका बहुत शुक्रिया अनवारुल काकड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और मलिक अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कसूर से ज्वाइन किया, डॉक्टर यस्मीन राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये आज का हमारे प्रोग्राम था। वक्त हमारा इस दफ़ा थोड़ा कम है क्योंकि ज़रूरत है वी हैव टू शो यू सम अदर प्रोग्राम, लेकिन चलते चलते ये ज़रूर कहेंगे कि अब आने वाले दिनों में जो सियासत है वो दिलचस्प फेज़ में जा रही है। अब देखना यह है कि कल का जलसा, उसके बाद हुकूमत का रिएक्शन और फिर कराची का जलसा। वी विल कीप अ टैब ऑन इट। मंडे तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रेसिडेंट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।